प्रदेश के जनपद फैजाबाद में चुनावी रंजिश को लेकर जमकर फायरिंग हुई। दो पक्षों में आमने सामने से फायरिंग व पथराव की घटना को अंजाम दिया गया। दर्जनों राउंड फायरिंग से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस पथराव एवं फायरिंग की घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है। दबंगों को नहीं है पुलिस का कोई भी खौफ। फायरिंग का लाइव वीडियो पर अवैध असलाहों से फायरिंग करते लोग वीडियो में कैद। दोनों तरफ से जमकर की जा रही है फायरिंग। फैजाबाद के थाना सुकावा क्षेत्र जलालपुर गाँव का है पूरा मामला। देखिए फैजाबाद से संवाददाता सौराज सिंह की खास रिपोर्ट। नतीजे क्या घटना हुई है? घटना सर ये हुई थी, जब मैं अपने मकान पे बैठा हुआ था तो अचानक मुझे गोली का फायर आवाज हुई। तो ये एक लड़का है जो नरेंद्र गांव का, वो आगे भाग रहा था। पीछे से मुल्तान और इसके लड़के रवि तमंचा लेके उसके रेंद रहे थे। तो वो अकस्मात आके मेरे घर में घुस गया। तो मैंने मना किया, भाई मेरे घर में मत घुस गया, तो मेरे घर में मत मारो। वो लोग नहीं माने, उन्होंने ईंट अड्डे अरोड़ा सारे फेंके और फिर भैया मैं तो अलग हो गया अपने बगल से। कितने फायर हुए? कम से कम 10 फायर। राजेश जी क्या घटना हुई है गाँव में? ये हुआ था पहले प्रधानी का चुनाव जी, उसमें रंजित तो तंती है ना। अभी क्या हुआ प्रधान? अभी तो वो एक लड़का आया था जी, उससे मारपीट हुई थी जी। और मारपीट दूसरे घर में घुस गया, उसके घर में मतलब जबरदस्ती कैसे तुम मारोगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? ना करने पे वो उस पर हमला कर दिया। अच्छा, जो बता रहे फायरिंग हुई है? हाँ फायरिंग हुई है, एक नहीं हुई है, कम से कम 20-25 फायर हुई है। 20-25 राउंड गोलियां चली? हाँ, उधर से ही हुई है। जालंग तो कोई मतलब ही नहीं था, बाद में आए ना। कोई था ही नहीं, कोई आदमी नहीं था।